अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सास पग कर जोरी छमहु देवी बड़ी अभिनय मोरी माता सीता अपनी सास कौशल्या के पैर पकड़कर अपने पति श्री राम के साथ वन जाने का हठ करती है और कहती हैं, हमने समझ लिया है इस संसार में पति से वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं। अंशुमन जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? जब तक वो आते हैं हम तैयार हो जाते हैं। आज हमारा घर निकाला का पहला दिन है। अंशुमन जी, सुमन, आप तुम ठीक हो? तुम तैयार हो जाओ, मैं बाकी तैयारियां करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की। भोजन लग गया है, आप सब लोग चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। क्षमा कीजिए, हम इस घर का भोजन ग्रहण नहीं कर पाए। मान जी, लेकिन राय बहादुर साहब, इस समय हम आपके संबंधी नहीं बल्कि पुरोहित हैं और जिस यजमान से हमने इस पूजा के लिए संकल्प करवाया था उसे तो आपने घर से बाहर निकाल दिया और हम अपने यजमान के घर के अलावा और किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाय रे विधाता, ये तो घोर अनर्थ हो गया। छोड़की, तुमको ये बात का खबर नहीं था? भुला दी थी का? अरे जिस घर से ब्राह्मण देवता भूखे चले जाए उस घर को घोर संकट का सामना करना पड़ता है। भैया, भाभी, क्या हुआ तारी? भैया, हमारे घर में वो सब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। नैन जी कह रहे हैं वो इस घर में पूजा तो करेंगे लेकिन इस घर में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, ऐसा मत कीजिए। यदि आप बिना भोजन ग्रहण किए हमारे घर से चले गए तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। हमने आपको कारण बता दिया है। जब जब इस घर में विपदा आई है तब तब सुमन और अंशुमन ने इस घर का साथ दिया।
लेकिन आज तो उनका भी साथ छोड़ के आस घर से। नहीं अंशुमन जी, आप ये दहलीज नहीं लांग सकते। हमने सभी माँ को वचन दिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। जब तक इस घर के बेटे और बहू जिंदा हैं, तब तक इस घर से कोई भूखा नहीं जा सकता नाना जी। आओ आओ, तुम लोग का ही तो कमी था। अब देखो ये जो कांड हो रहा है ना इस घर में, उसका कारण तुम हो लड़की तुम। अगर तुमने छोटकी का बात मान लिया होता तो छोटकी ने तुमको घर से बाहर नहीं निकाला होता। और अगर छोटकी तुमको घर से बाहर नहीं निकालती तो ब्राह्मण देवता पहली बार इस घर से भोजन बिना किए जाने का बात तक नहीं करते। देख लो, तुम्हारे पीठ पीछे भी इस घर का अपमान ही हो रहा है। और एक और बात, किस हक से तुम इस घर का बहू होने का दावा करती हो? हाँ, हस्ताक्षर कर दियो ना उप सरकारी दस्तावेज पे अलग होने के लिए। तो फिर बड़ी माँ, हम दोनों अलग होने वाले हैं, अब तक अलग हुए नहीं है। और उस नाते हम अब भी इस घर की बहू हैं, और इस घर की बहू होने के नाते ब्राह्मणों को भोजन हम कराएंगे। बड़ी माँ, अगर हमारे होते हुए इस घर से ब्राह्मण देवता भूखे पेट चले जाए, हमारे होते हुए परिवार से कोई सवाल करे, तो हमारा इस घर की बहू होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीते रहो बेटा, आज हमारे दिए हुए संस्कारों की तुमने लाज रखी। बड़ा बड़ा बात करना बहुत आसान है लड़की, लेकिन तुम तो इस घर का दहलीज तक नहीं लांग सकती, तो भोजन कराओगी कैसे? गौशाला में। बड़ी माँ, अब तो वो गौशाला ही हमारा घर है, तो हम भोजन भी वहीं कराएंगे। आइए नाना जी, आइए। हमारे घर में आप सभी का स्वागत है। अंशुमन जी, वो कपड़ा लीजिए। देख के पीछे 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 आराम से संभल के सुमन, ध्यान से देखो। सुमन संभाल के। अभी कर लो अपने घर परिवार के मान सम्मान की रक्षा, बाकी जल्दी ही ना ये परिवार तुमको धक्का देके निकालेगा, और वो दिन हम जल्दी लाएंगे। देखती रहो सुमनिया। जी नाना जी, लगता है कि भगवान की भी यही इच्छा है कि हम राय बहादुर परिवार का भोजन ग्रहण ना कर सकें। अन्नपूर्णा स्वरूपी बहू का अपमान उनसे भी सहन नहीं हो पाया है। ये अग्नि प्रमाण है उस बात का कि माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों रुढ़ गई है बेटा। नहीं नाना जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आप तो जानते हैं ना
राय बहादुर परिवार ने आपकी सुमन को कितना प्यार दिया है, कितना दुलार किया है, आपकी सुमन का सम्मान दिया है, हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखा है। इस आग का लगना बस आपकी सुमन के लिए एक नई परीक्षा है, और इस परीक्षा में जीत हमारी और हमारे राय बहादुर परिवार की ही होगी। तो कितनी अग्नि परीक्षा दे चुकी है बेटा, और आगे भी देती रहेगी, मुझे पता है। एक ही रात में कितना कुछ घट गया है बेटा। हम तो सिर्फ यही देख रहे थे कि हमारी सुमन का साहस तो कहीं डगमगा नहीं गया है। नाना जी, आपने हमें हालात से लड़ना और जीतना सिखाया है, डगमगाना नहीं। सुमन, तुम सभी ब्राह्मणों को बिठाओ और गाय के दूध को उबालने के लिए चढ़ा दो। मैं मार्केट से जाके चावल और चीनी लेके आता हूँ। जी अंशुमन जी। मैं बस अभी आया। हम अभी आप सभी का आसन लगा देते हैं, आइए। महन जी, सही कहा आपने, लगता है भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि हम राय बहादुर जी के घर का अन्न ग्रहण करें। उधार के पैसों से लाए गए अन्न का भोज या दान सफल नहीं होता, मुझे अपनी मेहनत की कमाई से ही अन्न खरीदना होगा। साहब, मुझे कुछ सामान चाहिए। बोलिए साहब, क्या दूं? जैसे चावल और चीनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप चाहें तो सामान के बदले में मैं आपका कुछ काम कर सकता हूँ। ऐसा है, पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। वैसे मैं राय बहादुर जी के पोते से क्या ही काम कराऊंगा अपनी दुकान पे। बोलिए ना, कितना चीनी और कितना चावल दूं आपको? ए, चावल, चावल की बोरी दिखाओ जरा साहब को। नहीं भाई साहब, मुझे उधार नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। भाई साहब, वो मुझे काम की जरूरत है। अगर कुछ हिसाब किताब का काम है तो मैं कर सकता हूँ। काहे शर्मिंदा कर रहे हो भैया, राय बहादुर जी के पोते को मैं अपने यहाँ काम पर रखूँ? मेरे औकात नहीं, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। बिना पैसे के चावल और चीनी कैसे खरीदूं? और अगर नहीं खरीद पाया तो ब्राह्मण भोज कैसे होगा? अरे देखो भाई, एक आध दिन आ गया, राय बहादुर खानदान का लड़का ऐसे दुकाने काम ढूंढ रहा है। अरे पता नहीं क्या चल रहा है इनके यहाँ पे, इतने बड़े घर के लोग हैं, कभी कुछ खबर तो कभी कुछ। खानदान का नाम अखबार से लेके सड़क तक पहुँचा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तेरी के लिए क्षमा चाहते हैं पंडित जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी भी यही चाहते हैं कि जिस घर आप भजन करके आए हैं उसी घर का भोजन ग्रहण करें। आप बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। वो आदमी दिखाई दे रहा है आप सभी को?
अगर वो काम मांगे आप सभी से तो उसे काम मत देना, क्योंकि वो राय बहादुर खानदान का बड़ा पोता है। नहीं देंगे, पर बदले में हमें क्या मिलेगा? मेरे काम आओ, क्योंकि सर जी के जो काम आता है सर जी उसके बहुत काम आते हैं। मिस्टर अंशुमन झा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सोमन की नजरों में हीरो नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली हाथ जाऊंगा तो क्या कहूंगा सुमन से, और अगर नहीं गया तो वहां सुमन को अकेले ही सारा अपमान सहना होगा। नहीं, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, वहाँ टेम्पो पे सामान लादना है, मेरे बूढ़े शरीर से नहीं हो पा रहा है और मेरी कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। मेरी थोड़ी मदद कर दो। आइए काका, मैं करता हूँ आपकी मदद। आओ बेटा, आओ इधर। चलो सामान उठाओ। इस बुढ़ाऊ से लगता तो नहीं कि काम पूरा होगा। तुम कर दो, बदले में जो मजदूरी के पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो ए बुढ़ाऊ, चल जा रहे, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। भाई साहब, आप इन्हें काम से मत निकालिए, आपका काम मैं कर देता हूँ, आप पैसे इन्हें दे दीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारी मंशा सही है, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए बेटा। अंशुमन जी को शायद सामान नहीं मिला होगा, बहुत दुखी होंगे वो हमारे लिए। समझ नहीं आ रहा है कि उन तक खबर भी पहुंचाए तो कैसे, कैसे बताएं उन्हें कि आप लौट आई, यहाँ ब्राह्मण भोजन का इंतजाम हो गया है। ये लीजिए, हो गया आपका काम। ये लो अपनी मजदूरी, काम तो तुम्हीं ने किया है। शुक्रिया। और ये गाड़ी पहुंचा देना भाई। काका, ये लीजिए, आपने मुझे मदद के लिए बुलाया था, इन पैसों पर आपका हक है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, ये आधे पैसे तुम रख लो। नहीं काका, ये सारे पैसे आपके हैं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। आपका भागीदार मत बनाओ बेटा, मदद के नाम पर पूरी मजदूरी तो तुमने की है। इसे रख लो, बूढ़े का आशीर्वाद समझकर, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। अब मैं इन पैसों से भोज के लिए चावल और चीनी खरीद सकता हूं।
नाना जी आप और लेंगे? अंशुमन जी, गौ माता ने दूध दे दिया था, बाहर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, वहां से हमें शहद मिल गया और चावल की धान की बालियों से हमने चावल निकाल लिया, बस बन गई खीर। सुमन, तुमने आज परिवार के साथ साथ मेरी भी लाज रखी। ये तो हमारा कर्तव्य है ना अंशुमन जी। खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी बेटा, आनंद आ गया। खुश रहो बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो, प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। आइए